प्रश्नावली 12.2 का 9 नंबर क्वेश्चन। एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों के में विभाजित करता है। जैसा कि आकृति 12.12 में दिखाया गया है तो ज्ञात कीजिए। पहला, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, और दूसरा, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन क्या है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। चांदी के तार से एक वृत्त बनाया गया है, ठीक है। ये वृत्त चांदी के तार से बनाया गया है, वृत्ताकार ब्रुज नाम दिया है इसका, ठीक है। ये चांदी के तार से बनाया है और साथ में 5 व्यास चांदी के तार से बनाया है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं सारा चांदी से है। अब हमको ये पूछ रहा है कि ये जो इसमें चांदी का जो तार लगा है कितना लंबा तार लगा है, पहला। और दूसरा, ये जो आपका 10 टुकड़े में ये त्रिज्याखंड में विभाजित हो गया है तो प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग को क्या देखे रखा है, वृत्त का व्यास जिसको डी बोलेंगे 35 mm है। तो हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या आर क्या होता है, डी बटे टू, यानी कि व्यास का आधा होता है। तो व्यास 35 है तो त्रिज्या होगा 35/2 mm, ठीक है। ये हम लोग ये पता चला। अब पहला क्वेश्चन क्या है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला तो जो ब्रीथ है उसका परिधि चांदी से बना हुआ है, साथ में 5 व्यास है उसका चांदी से बनाया हुआ। तो कुल लंबाई क्या होगा, वृत्त की परिधि होगा क्योंकि परिधि चांदी से बना हुआ है, प्लस उसमें क्या जोड़ेंगे, 5 व्यास। तो वृत्त की परिधि प्लस 5 गुना वृत्त का व्यास, ये सारा चांदी से बनाया हुआ है। तो वृत्त की परिधि क्या होगा, 2πr, 5 व्यास क्या है, डी है। अब इसका मान रखते हैं तो 2π क्या होगा, 22/7 गुना त्रिज्या कितना है, 35/2। तो यहाँ पे रखेंगे 35/2, जोड़ में क्या है, 5, व्यास कितना है, 35, तो ये 35, ठीक है। काटेंगे तो 2 से ये 2 कटेगा, 7 से 35 कटेगा, तो 7, 5 से 35, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, 22 गुना 5 जोड़ 5 गुना 35, ठीक है। तो जब आप 22 और 5 को गुना करेंगे तो ये 110 होगा, और 5 और 35 को गुना करेंगे तो 175 होगा, और आप जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये होगा 285 मिलीमीटर। तो ये हमारा हो गया पहला आंसर, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है, ब्रुज में प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये जो ब्रुज है इसमें जो 10 त्रिज्याखंड बन गए हैं तो प्रत्येक का कितना क्षेत्रफल होगा, ये निकालना है। तो चूंकि वृत्त को 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित किया गया है, क्या है कि ये जो वृत्त है इसको 10 भाग में विभाजित किया गया है, तो पूरे का कोण कितना होता है, 360 डिग्री। तो एक का कोण कितना होगा, जब पूरा कोण होता है 360 डिग्री, उसको 10 भाग किए हैं तो उसका कोण भी 10 भाग हो जाएगा, तो 10 से काटेंगे तो कितना हुआ, 36 डिग्री। करने का मतलब एक कोण आपका हो गया 36 डिग्री का। तो वो पहले हम लोग निकालते हैं, क्योंकि वृत्त को 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित किया गया है इसीलिए प्रत्येक त्रिज्याखंड का कोण जिसको थीटा बोलेंगे, वो टोटल कोण होता है 360, उसको 10 भाग करेंगे क्योंकि उस पूरा एरिया को 10 भाग में बांटा गया है। तो 360/10 तो आ गया 36 डिग्री, यानी कि हम लोग को थीटा पता चल गया 36 डिग्री, और त्रिज्या पहले से पता था। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा आपको पता है कितना है, अभी निकाले हैं, 36/360 गुना पाई, 22/7 गुना आर, 35/2 और 35/2 दो बार, क्यों, क्योंकि आर का स्क्वायर है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, काटेंगे तो कैसा होगा, पहले तो ये 36 से 360 कटेगा और यहाँ पे नीचे में 10 बनेगा, ठीक है, ये हो गया। अब 7 से काटते हैं, 7, 5, 35 हो गया। अब इस 5 को काटेंगे, 5 × 5, 5 × 10, तो अब क्या बचा ऊपर में, एक 22 बचा है और एक 35 बचा है, 22 × 35, नीचे में 2 और यहाँ पे
दो और दो, ठीक है। तो यहाँ पे है दो गुना दो गुना दो, तीन को दो है तो यहाँ पे और एक बार कटेगा, सॉरी यहाँ पे और एक बार कटेगा, दो गुना ग्यारह हो जाएगा, ठीक है। तो ग्यारह गुना पैंतीस बटे दो गुना दो, तो ग्यारह और पैंतीस को आप जैसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 385, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 385 बट्टा में दो दुना चार, ये हो जाएगा आपका mm स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, ये हो जाएगा आपका दूसरा आंसर, ठीक है, समझ में आया। तो कहने का मतलब है पहला आपका हुआ 285 mm और दूसरा आंसर हुआ 385 बटे 4 mm स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से नौ नंबर का क्वेश्चन आपका बनेगा। इसके बाद के जो भी क्वेश्चन हैं मैं उसको आपको एक एक करके बना के दिखाऊंगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।